के मंत्री उदय निधि के सनातन धर्म पर दिए बयान पर अखिल भारतीय संत समिति के महासचिव स्वामी जितेंद्र सरस्वती ने भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। उदय निधि का बयान, इस पर लगातार मचा है घमासान। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पर निशाना साधा, तो वहीं दूसरी तरफ क्योंकि स्टालिन की पार्टी भी जो विपक्षी गठबंधन है उसमें शामिल है, ऐसे में विपक्षी नेता इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं बोलते हुए बचते नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर विपक्ष को भी घेर रही है और साथ ही एमके स्टालिन और उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन को भी। लेकिन इस पूरे मामले पर अब सनातन पर दिए बयान पर अब निशाना साधा है अखिल भारतीय संत समिति के महासचिव ने। यह इंडिया नाम के सो कॉल्ड गठबंधन की बैठक के बाद सनातन धर्म पर हमला, मैं आपसे पूछता हूं कि इस देश में इस्लाम के उन्मूलन का अभियान चल सकता है क्या? क्रिश्चियन उन्मूलन का अभियान चल सकता है क्या? लेकिन सनातन उन्मूलन सम्मेलन हो सकता है, और एक करने वाले लोग कौन है? राज्य प्रायोजित हिंसा के जिम्मेदार कौन होंगे? दो दो कैबिनेट मंत्री, उसमें से एक मंत्री जिस व्यक्ति की यह जिम्मेदारी की तमिलनाडु के 85,000 मंदिरों के रक्षा के जिसके पर जिम्मेदारी, वह मंत्री तमिलनाडु के मंदिरों के और सनातन धर्म के उन्मूलन की बात कर रहा है।